नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस क्रैक पे। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त सैम अग्रवाल, एक बार फिर से स्वागत करता हूं डिफेंस क्रैक पे। तो गाइस, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं। अभी जिन भी विद्यार्थियों ने एफकैट 2021 का जो एग्जाम दिया था, जी हाँ गाइस, एक बार फिर से सुने, जिन भी विद्यार्थियों ने एफकैट 2021 का एग्जाम दिया था, वो वेट कर रहे थे रिजल्ट का। और काफी सारी वीडियो जो है ये बता रही थी कि रिजल्ट कब आना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए, रिजल्ट परसों आना चाहिए, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है। तो जवान मेरे साथियों, ये इंतजार हो चुका है अब खत्म, क्योंकि एफकैट का जो रिजल्ट है वो इंडियन एयरफोर्स के थ्रू उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दिया गया है। जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपको दे रहा हूं, एफकैट का रिजल्ट जो है वो इंडियन एयरफोर्स के थ्रू उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर अभी तक आपने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है तो जल्दी से जाए इंडिविजुअल जाकर लॉग इन करें, अपना मेल आई डी डालें, पासवर्ड डालें और अपना रिजल्ट सेक्शन पर रिजल्ट जाकर चेक करें। बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन उन विद्यार्थियों को जिन्होंने वो एग्जाम क्लियर किया है। बट जो विद्यार्थी रह गए हैं कुछ एक नंबर से, दो नंबर से, तीन नंबर से, निराश होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, लाइफ खत्म नहीं हुई है, अटेम्प्ट खत्म नहीं हुए हैं, अभी बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है, घबराओ मत। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि काफी बच्चों को नहीं पता होगा कि जी एफकैट 2021 का रिजल्ट जो है इतनी जल्दी आ जाएगा। अभी तो एग्जाम हुआ था, अभी कुछ टाइम पहले एग्जाम हुआ था और हम वेट कर रहे थे कि एफकैट का रिजल्ट कब तक आता है। और गाइस, आपका एफकैट का रिजल्ट आ चुका है। मैंने भी 3 से 4 बार एफकैट निकाला है तो मैं पूरी डिटेल आपको छोटी छोटी देता रहूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जिन भी साथियों का एफकैट क्लियर हुआ है, कट ऑफ से ज्यादा उनके नंबर आए हैं, तो सबसे पहले तो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। रिजल्ट चेक करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस किस कौन कौन बच्चा जो है, कौन कौन मेरा साथी जो है वो क्लियर करके बैठा है, किसका एग्जाम क्लियर हो गया। इसके बाद क्या होगा, आपको SSBs के लिए कॉल आनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपके वही उसी इंडिविजुअल लॉगिन के अंदर आपको सिलेक्शन जो है वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, SSB में क्या करना है, कैसे करना है, क्या होता है, लेक्चर के टॉपिक्स क्या होते हैं, कैसे आप जा सकते हो। मैं गांधीनगर गया था, मेरी फर्स्ट SSB मैं गांधीनगर ऑफ की थी, मैं वाराणसी में मैसूर हर जगह घूमा हूं। ठीक है गाइस, घबराने की जरूरत नहीं है, जहां जितना मेरी ऐप से आप लोगों के लिए हेल्प हो पाएगी मैं उतना हेल्प करने के लिए तैयार हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करें और इस वीडियो को छोड़कर जल्दी से सबसे पहले अपने इंडिविजुअल लॉगिन करके क्या देखें, रिजल्ट देख लें। जितना जल्दी रिजल्ट देखोगे उतना जल्दी टेंशन फ्री होगे, जो एंग्जाइटी अंदर से तो धक धक होती है ये कम होगा। जल्दी जाएं और जल्दी से रिजल्ट देखें और कमेंट में मुझे बताएं कि कौन विद्यार्थी वो है जिसने ऑलरेडी एग्जाम निकाल दिया है। इसी के साथ मुझे आज्ञा दें, बहुत छोटे छोटे समय में मैं आपके साथ आता रहूंगा, आपके साथ चीजें शेयर करता रहूंगा, कैसे करना है, क्या करना है वो मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है भाई, इसके साथ बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। जिस भी साथी ने अभी तक डिफेंस क्रैक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपसे कहीं से कहीं तक भी मिस ना हो। बाय बाय, जय हिंद।